सरदारपुर कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के भाई ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा का दामन थाम लिया है, जिससे कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। भाजपा में शामिल हुए ब्रजेश ग्रेवाल ने कहा कि कर्मठता व निस्वार्थ भाव से भाजपा का काम करूंगा। विधायक प्रताप ग्रेवाल के छोटे भाई और सरदारपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेश ग्रेवाल आज कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बदनावर में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव व भाजपा के जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा, भाजपा नेता दिनेश ग्रेवाल ने भाजपा का दुपट्टा पहनाकर ग्रेवाल का स्वागत किया। सरदारपुर से जगदीश मारू की रिपोर्ट। आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है? जी, मैंने आज माननीय राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव साहब, हमारे क्षेत्र के राजा साहब और परम आदरणीय छोटे बना साहब और मेरे छोटे भाई शुभम दीक्षित जी के सानिध्य में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हमारे लिए पूरा शुरू से, जब भी स्टार्टिंग में मैं नगर परिषद अध्यक्ष का जब चुनाव लड़ा था, उस समय हमारे मना साहब ही मेरे लिए उनके निजी खर्च से मेरा टिकट लाए थे, चुनाव प्रचार भी करा था, मुझे जितवाया भी था। और जैसे ही हमारे बना साहब ने आगामी जो परिणाम हुए, उन्होंने जो उनकी वहाँ पर कांग्रेस की सरकार में नहीं सुनी गई थी और कमलनाथ जी के समय इस्तीफा दे के ज्वाइन करा, उस समय भी मैंने मेरे भाई प्रताप जी ग्वाल जी से निवेदन करा था कि मैं हुकुम जी के साथ पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मुझे उस समय दबा दिया गया था कि नहीं, अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है। और आज ऐसा शुभ अवसर आया कि जो तो मैंने शुभम भैया दीक्षित जी से रिक्वेस्ट की और तुरंत आज 1 से 1.5 घंटे के अंदर सरदारपुर से यहाँ माननीय से निवेदन करने आया। और मैं पूरी कर्मठता के साथ में, ईमानदारी के साथ में, मात्र मेरे लिए दो ही लोग रहेंगे, छोटे वना साहब और आदरणीय मंत्री राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव जी का आदेश का पालन करूँगा और निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी और हुकुम का आदेश का पालन करूँगा। सरदारपुर के विधायक प्रताप ग्रेवाल जी के भाई ने आज पार्टी ज्वाइन करी भाजपा में, तो आपका क्या कहना? ब्रजेश ग्रेवाल शुरू से एक बहुत समर्पित समाज सेवी भाव के व्यक्ति रहे हैं। राजनीतिक रूप से इन्होंने सरदारपुर के नगर परिषद अध्यक्ष रहते हुए बहुत अच्छे से कार्य किए हैं। वर्तमान में कुछ समय से काफ़ी व्यथित थे, दुखी थे और कांग्रेस पार्टी ने जो इनकी उपेक्षा करी उससे भी दुखी थे। ये मेरे पास आए, उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने सारी बात मुझे बताई। हम लोगों ने वरिष्ठों से चर्चा करी। शिवराज सिंह जी के कार्य से भी ये काफ़ी संतुष्ट हैं और मैंने इनको बताया कि भाजपा और कांग्रेस का क्या बड़ा अंतर है। यहाँ पे हम सेवाई संगठन के भाव से कार्य करते हैं। ब्रजेश जी ने ये संकल्प लिया है कि निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी में रह के ये कार्य करेंगे। शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जनकल्याणकारी कार्य प्रदेश में हो रहे हैं, जो मोदी जी के नेतृत्व में देश में हो रहे हैं, उससे भी काफ़ी प्रभावित हैं। और ब्रजेश जी के हमारी पार्टी में आने से हमारी ताकत न सिर्फ सरदारपुर क्षेत्र में बढ़ेगी, सरदारपुर शहर में बढ़ेगी, बल्कि पूरी विधानसभा में हमको लाभ मिलेगा। आसपास के क्षेत्र में भी इनका अच्छा प्रभाव है, क्योंकि सालों से इन्होंने सेवा करी है और काम किया है। तो मैं इनका स्वागत करता हूँ, इनको बधाई देता हूँ, उनको विश्वास दिलाता हूँ कि भाजपा परिवार में आपका सम्मान होगा, आपके स्वाभिमान की रक्षा करी जाएगी और आपको पूरी तरीके से परिवार के भाव से सहेजा जाएगा और आने वाले समय में आपकी प्रतिभा अनुसार आपको मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी और पद भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक एक व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।